महोबा जिले में आज अगस्त क्रांति दिवस पर कांग्रेस पार्टी द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर पैदल यात्रा निकाली गई। युवा कांग्रेस नेता सागर सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए और भाजपा गद्दी छोड़ो आंदोलन का इकबाल बुलंद किया। मुख्यालय के डाक बंगला मैदान से शुरू हुई कांग्रेस की पैदल यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए और हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर रैली आगे बढ़ी। ये यात्रा प्रियंका गांधी के आह्वान पर आज डीजल, पेट्रोल, खाद तेल की बढ़ती महंगाई के विरोध में निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हुए। अगस्त क्रांति को अपनी प्रेरणा मानते हुए सन 1942 को महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत की जनता त्रस्त थी अंग्रेजों से और उनके अत्याचारी व्यवहार से। एक तरफ तो अंग्रेज लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर टू 1942 में और दूसरी तरफ देश की जनता झेल रही थी उनका अत्याचार। आज भी देश उसी स्थिति में है। एक तरफ जनता कोरोना महामारी से त्रस्त है तो दूसरी तरफ सरकार ने महंगाई का दोगुना बोझ उनके ऊपर लाद दिया है। पेट्रोल आज महोबा में 100 रुपये के ऊपर चल रहा है, डीजल 92 रुपये के ऊपर चल रहा है। आखिर सरकार चाहती क्या है, किसके लिए खजाना भर रही है, वो खजाना होता किसके लिए है? देश के लिए होता है, देश के लोगों के लिए होता है। हम चाहते हैं सरकार अपने डीजल पेट्रोल के दाम तुरंत वापस ले। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया जाता है पर उस सिलेंडर को भरने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? 450 का सिलेंडर 950 का बिक रहा है। युवाओं बेरोजगार घूम रहे हैं, दर दर भटकने को तैयार है। बस इसी को देखते हुए हमारा आज का ये पद यात्रा है। आप सब जानते हैं, सम्मानित पत्रकार बंधु हैं और पूरी जनता जानती है कि 5 साल 4.5 साल के भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है, न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी, उसके बावजूद हमारी जनता यहाँ, ये बुंदेलखंड है, यहाँ पर दिन भर के खाने के लिए भी लोगों को इकट्ठा करना एक संघर्ष है। ऐसे में 200 रुपए का सरसों का तेल, 100 रुपए का पेट्रोल, 100 रुपए का डीजल, क्या ये दाम के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सत्ता दी है? इन्हीं प्रश्नों को लेकर के, महंगाई को लेकर के, युवाओं के रोजगार को लेकर के, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के, ये जनता से जो सीधे जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर के माननीय प्रियंका गांधी जी जो हमारी राष्ट्रीय प्रभारी हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर हम सब कांग्रेस जन, महोबा जनपद की कांग्रेस जन, जिलाध्यक्ष तुलसीदास लोधी जी, युवा नेता चौधरी सागर सिंह, महिला कांग्रेस की बुंदेलखंड जोन की अध्यक्ष करिश्मा ठाकुर जी और सभी हमारे कांग्रेस जनों के नेतृत्व में यहाँ पर हम लोग ये पद यात्रा कर रहे हैं ताकि जनता तक इस सरकार का पोल खोल सके, सरकार ने जो जन विरोधी कार्य किए उसको जनता के सामने कर सके और जनता निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी को गद्दी छोड़ने के लिए विवश करेगी।